दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी नंबर की मालूमात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई नंबर आपको तंग कर रहा है या आपके घर के नंबर पर बार बार कॉल करके आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इस नंबर की मुकम्मल मालूमात अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं कि वो कौन है जो आपको कॉल कर रहा है, इसका क्या नाम है और कहां रहता है और इसके NIC का नंबर क्या है। हत्ता के इसके नाम पर जितनी सिमें भी हैं आप वो सब सिमों के नंबर अपने घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को कहीं पुलिस स्टेशन या दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओनली 5 मिनट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस शख्स की मुकम्मल मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्च में पाक ई सर्विस 2020 लिख कर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड वाली एप्लीकेशन पर टैप करना है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, पाक ई सर्विस नंबर ट्रैक 2020 पाक सिम डेटा, ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, मिसाल के तौर पर कॉल सेंड, वापदा बिल और करंसी रेट वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने इन सब को छोड़कर डेटाबेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का न्यू पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, मिसाल के तौर पर ID कार्ड, मोबाइल लोकेशन, नात्रा वगैरह। आप लोगों ने इन सब को छोड़कर सिम डेटा नंबर 1 पर टैप कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इंटर योर CNIC नंबर और मोबाइल नंबर टू गेट द डिटेल्स, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर NIC नंबर या मोबाइल नंबर डायल करना है उस शख्स का जो हम लोगों को तंग कर रहा है। आप लोगों को उसका NIC नंबर तो मालूम नहीं होगा, तो सिंपली आप लोगों ने वो मोबाइल नंबर लिखना है जिस नंबर से आपको बार बार कॉल आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं, नाम कदीर अहमद, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी वगैरह, सब कुछ आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सिंपली हम लोगों ने करना ये है कि उसका NIC नंबर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आकर वो नंबर रिमूव करके यहाँ पर NIC नंबर पेस्ट कर देना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करके नीचे आ जाना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने NIC नंबर सर्च किया था उस नंबर से जितनी भी सिमें यूज़ हो रही हैं वो सब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसका एड्रेस, सिटी वगैरह सब कुछ आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट कर सकें। अब तक के लिए